subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोस्वामी टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एमपी के अंडर ग्रेजुएट के रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तीन चीज़ें तो आपको करनी होगी, कर दो यार, छोटे भाई का चैनल है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और एक आपको लिंक मिली होगी, उससे आप इसी प्रवेश की डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद आपको यहां पर अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको यहां से वही इस शर्त को पढ़ के आई एग्री पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ से आपको चॉइस फिलिंग फर्स्ट रीजन पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपनी एप्लीकेंट आईडी डालनी होगी। मैं यहाँ से अपनी एप्लीकेंट आईडी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आपने अभी नोट डाउन की होगी, वहीं से आपको डालनी होगी। एप्लीकेंट आईडी डालने के बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे यहाँ से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड देन आपको पासवर्ड डाल के कैप्चा डालना है। कैप्चा यानी कि जैसे ये इसमें पूछ रखा है वैसे ही आपको इसको दोनों को आंसर लिख के डाल लेना है। एंड देन आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऊपर परफॉर्मेंस आया और यहाँ से आ जाए ये ऊपर ये सब लिखा हुआ आ जाएगा, इसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से एड प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको कॉलेज कोर्टल कोर्स कुछ पूछेगा, इसके लिए आपको यहाँ से क्लिक हियर टू सर्च कॉलेज कोर्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपकी नई पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसमें आपको पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट से है मंदसौर, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मंदसौर सिलेक्ट करता हूँ। मंदसौर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कॉलेज सिलेक्ट करना है कि आपको गर्ल्स कॉलेज आपको यहाँ से कॉलेज स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। मैं इसको पूरा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको देखो डिस्ट्रिक्ट डालते ही आपको कॉलेज दिख जाएगा, तो आपको उस कॉलेज पर क्लिक करना है। एंड देन कोर्स आपको यहाँ से कोर्स सर्च करना है, कौन सा कोर्स में बीए रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसलिए बीए रजिस्ट्रेशन करके कैप्चा को भर के कैप्चा भरने के बाद सर्च कर देना है। सर्च आप जैसे ही करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और देख लेना है कॉलेज कोड क्या है और कोर्स कोड क्या है। तो कॉलेज कोड और कोर्स कोड देख के आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग वाली विंडो में इसे भर देना है। कॉलेज कोड में आपको जो कॉलेज का कोड है वो डालना है एंड कोर्स कोड में जो कोर्स का कोड है वो डाल देना है। एंड देन यहाँ से आपको एड प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड प्रेफरेंस पर क्लिक करोगे साइड में आपको दिख जाएगा कॉलेज का नेम। एंड देन यहाँ से आप 15 कॉलेज डाल सकते हो। मुझे अभी एक ही कॉलेज डालना है, तो मैं एक ही कॉलेज डाल के यहाँ से गेट ओटीपी क्लिक करूँगा। याद रखना ये ओटीपी आपको उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगी जिस पर आपकी एप्लीकेंट आईडी और फर्स्ट में वेरीफाई मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाने के लिए ओटीपी आई थी, उसी नंबर पर ये ओटीपी आएगी। तो उस पर आपको यहाँ से गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप गेट ओटीपी क्लिक करोगे ये आपको वो ब्लैंक कर देगा और आपका कॉलेज का नेम और डाल देगा। तो यहाँ से आपको जो ओटीपी उस पर आई होगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर लिख देनी है। पहले आपको ये पूरा देख लेना है कि एक बार चॉइस लॉक करने के बाद इसमें 0.01% भी ये संभावना नहीं होती कि आप इसमें कुछ चेंज कर सकते। इसमें बिल्कुल भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ से अपना ओ टी पी को से पहले ऊपर की डिटेल देख लेनी है, फिर ओ टी पी डाल देना है एंड लॉक चॉइस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये चॉइस लॉक्ड का एक पेज मिलेगा, इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है, यहाँ से प्रिंट करवा लेना है। सेव करके तो ये प्रिंट सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बस हो गया दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन। आपको सारे फॉर्म प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखने हैं, एप्लीकेंट आईडी को भूलना नहीं है। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय दोस्तों।